सो ये मेरी बुक शेल्फ में तमाम बुक्स हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहली बुक जो है, जो कि ये है, वो पोचिंस्की का वॉल्यूम 1 है, स्ट्रिंग थ्योरी का। ये बुक जो है, आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स है, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी के इंट्रोडक्शन के लिए किसी को भी पढ़नी चाहिए। बिकॉज यू नो और बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो पोचिंस्की की स्ट्रिंग थ्योरी की बुक्स हैं, दे गो इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, और कई दफ़ा ऐसे इंट्रिकेसीज होती हैं जिसमें दूसरी बुक्स नहीं जाती हैं, और उसमें स्ट्रिंग थ्योरी की, जो पोचिंस्की की स्ट्रिंग थ्योरी की बुक्स हैं, दे गो इन टू दैट। सो द नेक्स्ट बुक है, ये काफ़ी एक, आई थिंक आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिसोर्स है ली अलजब्रास और ली ग्रुप्स पढ़ने के लिए, और ये है ब्रायन हॉल की बुक, ली ग्रुप्स, ली अलजब्रास एंड रिप्रेजेंटेशंस। ये काफ़ी स्टार्ट से शुरू करते हैं, और आई थिंक काफ़ी एडवांस टॉपिक्स तक जाते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड रीड। और ये बुक जो है, ये यू नो स्ट्रिंग थ्योरी जो पोचिंस्की की है, उसका वॉल्यूम नंबर 2 है। सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, सो लेट्स टेक इट टू अ साइड। तो ये जो नेक्स्ट बुक है, ये स्टैंडर्ड रिसोर्स है सुपर ग्रेविटी पढ़ने के लिए। ये लिखी है दो ऑथर्स ने, जिनका नाम है फ्रिडमैन एंड प्रॉयन। इसमें ये जो ऑथर्स हैं, ये सुपर सिमेट्री को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो क्लिफर्ड एलजब्रास हैं, जो कि स्पिनर्स के रिप्रेजेंटेशन से क्या कहते हैं रिलेटेड हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशंस हायर डायमेंशंस के अंदर क्या हैं उनकी भी बात करते हैं, और डिफरेंट डायमेंशंस में सुपर ग्रेविटीज जो हैं उनके एक्शंस को डिराइव करते हैं, और ये भी बताते हैं कि उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं। सो जो लो एनर्जी स्ट्रिंग थ्योरीज हैं, उनको स्टडी करने के लिए यू नीड सुपर ग्रेविटी थ्योरी। सो फ्रिडमैन एंड प्रॉयन जो है वो क्या कहते हैं, इसके लिए आपको तैयार करते हैं। सो ये जो नेक्स्ट बुक है, ये वाइनबर्ग की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। हालांकि इसका नाम है लेक्चर्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी बड़ी यू नो काफ़ी बड़ी बुक है, तो आप इसको एक टेक्स्ट बुक ही कंसिडर कर सकते हैं। और आई थिंक इसमें कुछ चीज़ ऐसी क्या कहते हैं डिस्कस्ड हैं, जो कि कई दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स में डिस्कस नहीं होती। जिसमें एक चीज़ तो है बेल्स इनइक्वालिटी। बेल्स इनइक्वालिटी जो है वो मुझे आज तक आई थिंक सापुराई में नज़र आई है उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स में बेल्स इनइक्वालिटी, नो क्लोनिंग थ्योरम, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस नहीं होते। और इसके अलावा ओपन क्वांटम सिस्टम्स, लिंडलार इक्वेशन, इस तरह के टॉपिक्स भी क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स में डिस्कस नहीं होते, लेकिन वाइनबर्ग की बुक में ये डिस्कस्ड हैं। सो ये बुक जो है, ये काफ़ी स्पेशलाइज बुक है। ये मेरा सेकेंड जो मेरा PhD प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है, और ये लिखी है डोमिनिक डी जॉइस, जो कि एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है हमारी फील्ड के अंदर, क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैनिफोल्ड्स कंस्ट्रक्ट किए थे, जिनको कहते हैं एक्सेप्शनल हॉलोनॉमी मैनिफोल्ड्स। ये जो नेक्स्ट बुक है, ये छोटी सी लेकिन काफ़ी वेल नोन बुक है नॉट थियरी के ऊपर। इसके ऊपर और भी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको शायद पता हो कि एक बुक है कॉलिन एडम्स की, अ नॉट थियोरी टेक्स्ट बुक, आई थिंक इस तरह कुछ नेम है उसका। लेकिन ये बुक जो है, ये क्या कहते हैं, आई थिंक ज़्यादा एडवांस्ड है थोड़ी सी उससे, आप कह सकते हैं कॉलिन्स की बुक से। सो ये वाली जो बुक है, ये वॉल्यूम 3 है वाइनबर्ग की, जो 3 पार्ट टेक्स्ट बुक है क्वांटम फील्ड थ्योरी के ऊपर, उसमें से वॉल्यूम 3 है। सो इट टॉक्स अबाउट सुपर सिमेट्री ओनली। ये बुक जो है, इसमें इससे काफ़ी लोगों ने सीखी है सुपर सिमेट्री, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम इसमें ये होती है इस बुक के अंदर कि वाइनबर्ग के जो कई सारे मेथड्स हैं, वो आप कह सकते हैं अननोन नहीं कहना चाहिए, बल्कि रेयरली यूज मेथड्स हैं स्ट्रिंग थ्योरी के लिए। तो आपको स्ट्रिंग थ्योरी के लिए वो मेथड्स इतना यूजफुल नहीं लगेंगे जो वाइनबर्ग के मेथड्स हैं। तो ये जो नेक्स्ट बुक है, ये काफ़ी फेमस बुक है क्वांटम फील्ड थ्योरी के ऊपर, मैथ्यू श्वार्ट्स की बुक है ये, और इट्स अ मोर रीसेंट टेक्स्ट बुक एज कम्पेयर टू पैस्किन एंड श्रोडर फॉर एग्जाम्पल। और इसकी मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है इस बुक की, और आई थिंक वो ये बुक जो है वो तारीफ जो है वो डिजर्व भी करती है, बिकॉज इट्स अ वेल रिटन बुक। सो ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है, ये काफ़ी मशहूर टेक्स्ट बुक है स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर। ये बेकर, बेकर एंड श्वार्ट्स ने लिखी है। मेलानी बेकर एंड कैथरीन बेकर दो बहुत मशहूर बेकर सिस्टर्स थी, जो कि दोनों स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं थी, बल्कि एक की तो डेथ हो गई है मेलानी बेकर की। और जो तीसरे ऑथर हैं, क्या कहते हैं, जॉन श्वार्ट्स, वो आई थिंक फर्स्ट स्ट्रिंग थ्योरी की जो टेक्स्ट बुक लिखी गई थी ग्रीन श्वार्ट्स ब्रिटन, उसके ऑथर्स में से एक थे, राइट। और इसमें काफ़ी, ये बुक काफ़ी हद तक मिमिक करती है ग्रीन श्वार्ट्स ब्रिटन को। आई थिंक अगर आप इसका चैप्टर नंबर 4 or 5 अगर स्टडी करो, तो वो काफ़ी हद तक आप, अगर आपने ग्रीन श्वार्ट्स ब्रिटन बुक पढ़ी हुई है, तो आपको लगेगा कि वही बुक चल रही है। ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कुछ हद तक, क्योंकि क्या कहते हैं, ये बुक जो है जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं वहीं से लेकर आएगी, बिकॉज दोनों में एक ऑथर जो है वो सेम है।
तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। सो ये एक और बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, ये बुक ब्लूमेनहेगन लूस्ट और थीसन ने लिखी है और इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। लेकिन इसके नाम पे मत जाना क्योंकि ये बुक थोड़ी एडवांस्ड है। बेसिक से ये स्टार्ट तो करती है लेकिन ये काफी एडवांस्ड है, तो आप इसका साइज भी देख सकते हो, ये छोटी बुक नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 700 पेजेस लॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 770 पेजेस, ऑलमोस्ट 770 पेजेस। इस बुक की खासियत ये है कि ये स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशंस और लैटिसेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशंस को स्टडी करना है, उनके लिए बहुत अच्छी है ये स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशंस और लैटिसेस। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस बुक अलॉट। ये बुक जो है ये स्टैंडर्ड बुक है क्वांटम इन्फॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर, नीलसन एंड शोंग की बुक, राइट। आई थिंक काफ़ी लोगों को शायद इसका पता हो जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये बुक जो है ये क्वांटम कंप्यूटिंग को भी डिस्कस करती है, क्वांटम इन्फॉर्मेशन थ्योरी को भी डिस्कस करती है और क्वांटम मैकेनिक्स को भी डिस्कस करती है। तो मैंने इस बुक को अभी तक सही तरह पढ़ा नहीं है, मैंने इसको आप कह सकते हैं स्किम किया है और कुछ इसके हिस्से पढ़े हैं, लेकिन इट सीम्स अ वेरी वेरी वेल रिटन बुक। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट बुक। सो ये बुक जो है ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी की डिफरेंट कॉम्पैक्टिफिकेशन और उनको फिनोमिनोलॉजिकली किस तरह यूज कर सकते हैं हम। अभी तक वैसे स्ट्रिंग थ्योरी पहुंची नहीं है, यू नो, स्टैंडर्ड मॉडल प्रेडिक्ट करने तक या पार्टिकल फिजिक्स तक जाने तक, लेकिन क्या कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी से आप कैसे जा सकते हो पार्टिकल फिजिक्स तक, इसके आइडियाज़ को कंपाइल किया गया इस बुक के अंदर, स्ट्रिंग थ्योरी एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये स्ट्रिंग फिनोमिनोलॉजी के ऊपर एक बुक है, इब्ने ज़ुल्करंगा ने लिखी है ये बुक और ये काफ़ी आई थिंक वेल नोन बुक है स्ट्रिंग फिनोमिनोलॉजी पे। ओके, सो ये नेक्स्ट बुक जो है ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में से एक है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के लिए। सो इसको इसके जो ऑथर्स हैं वो ग्रिफिथ्स एंड हैरिस हैं और ये बुक लेकिन थोड़ी सी पुरानी है। आजकल एल्जेब्रिक ज्योमेट्री पे जो मैथमेटिशियंस रिकमेंड करते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, दैट्स हार्टशन, राइट, जो कि स्प्रिंगर ने पब्लिश की है। बट ये बुक जो है ये फिजिसिस्ट में काफ़ी मशहूर है, ग्रिफिथ्स एंड हैरिस, ये आई थिंक ये जॉन विले पब्लिकेशंस की बुक है। ओके, सो ये बुक जो है ये कैसल एंड थ्योरम ने लिखी है, ये ग्रेड ग्रुप्स के ऊपर है और आई रियली लाइक दिस बुक बिकॉज ये ब्रेड ग्रुप्स की बात तो करती है, इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात भी करती है, नॉट्स की बात भी कुछ हद तक करती है ये, जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं इवन फिजिक्स में भी, सिर्फ मैथमेटिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट है लेकिन फिजिक्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेड्स एंड नॉट्स एंड लिंक्स, राइट। तो इसलिए मुझे ये बुक पसंद है। पर ये बुक फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, मैंने सिर्फ ये रखी हुई है अपने पास, ये बुक है, इसका नाम है द बुक ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। इसके अंदर इसका जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि ये डिफरेंट टॉपिक्स उठाती है, पॉलिटिक्स ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, और उसमें आपको रैंडम फैक्ट्स देती है। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस फैक्ट हियर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड, सॉरी, मैकडोनल्ड्स इन न्यूजीलैंड सर्व्स एप्रिकॉट पाइज इंस्टेड ऑफ चेरी वंस। नाउ आई मीन दिस इज ट्रू बट यूजलेस, राइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बुक ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये जो नेक्स्ट बुक है ये आई थिंक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है अगर आपने एज अ फिजिसिस्ट ज्योमेट्री, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी और डिफरेंट ज्योमेट्री से मेरा मतलब है डिफरेंशियल ज्योमेट्री और एल्जेब्रिक टोपोलॉजी और उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो स्टडी करने हैं। इसका नाम है नाकाहारा, ज्योमेट्री टोपोलॉजी फॉर फिजिसिस्ट्स, ज्योमेट्री टोपोलॉजी एंड फिजिक्स, सॉरी। सो ये इसमें क्या कहते हैं फिजिक्स के इससे कनेक्शन बनाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइबर बंडल्स के और प्रिंसिपल बंडल्स के, राइट, और इसके अलावा यू नो जब भी मैनिफोल्ड्स की बात करते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ कनेक्शंस जो कि फिजिक्स से जोड़ता है, फिर रिमानियन ज्योमेट्री, और अगर आपको स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशन स्टडी करनी है तो यू नीड समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, कहलम मैनिफोल्ड और कलाबियाव मैनिफोल्ड्स। कलाबियाव मैनिफोल्ड्स आर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कहलम मैनिफोल्ड्स और कहलम मैनिफोल्ड्स आर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड्स, तो यू नीड समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। इसका मतलब ये है कि यू डू डिफरेंशियल ज्योमेट्री बट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंस्टेड ऑफ रियल नंबर्स। सो उसकी बात भी इसके अंदर है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है इस बुक के अंदर। और इसके अलावा यू नीड समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक क्लासेस इंक्लूडिंग समथिंग कॉल्ड चर्न क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशन के अंदर। सो ये बुक जो है ये उस सबकी बात भी करती है कैरेक्टरिस्टिक क्लासेस की, जिसमें चर्न क्लास एक क्लास है लेकिन इसके अलावा ऑयलर क्लास और डिफरेंट और क्लासेस हैं। ओके, सो ये जो नेक्स्ट बुक है ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है डी ब्रेन्स के ऊपर, ये लिखी है क्लिफर्ड जॉनसन ने और ये बुक जो है इसरो डी ब्रेन्स के ऊपर, ओके, कह तो सकते हो आप इसको, लेकिन इसमें आप कह सकते हो कि एक छोटी सी इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग थ्योरी की भी है, राइट। सो इट्स अ मिनी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग थ्योरी एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड बुक ऑन डी ब्रेन्स। सो ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है ये वो मैंने अभी आपको एक टेक्स्ट बुक दिखाई थी जॉयस की लिखी हुई,
तो ये बुक जो है ये जॉइस की ही लिखी हुई है और काफी हद तक पहली वाली बुक से सिमिलर है ये, लेकिन ये एक मोनोग्राफ है जिसमें उसने अपनी ओरिजिनल रिसर्च पब्लिश की थी जब उसने अपनी ये एक्सेप्शनल हरोनमी मैनिफोल्ड्स कंस्ट्रक्ट किए थे. सो इट्स इसका नेम है कॉम्पैक्ट मैनिफोल्ड्स विद स्पेशल हरोनमी बाय यू नो जॉइस, और ये ऑक्सफोर्ड के मोनोग्राफ्स सीरीज का हिस्सा है. सो ये जो नेक्स्ट बुक है ये आई थिंक शायद आई एम श्योर बल्कि ये काफ़ी फेमस होगी, यू नो हो सकता है कि जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को वो काफ़ी हद तक जानते हो इस बुक को. तो ये बुक लिखी है वाल्टर रोडीन ने और इसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस. ये बुक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स जो हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन मौजूद है. तो इट आई थिंक इट्स गुड इनफ टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. आई मीन इसके ऊपर इसके अंदर क्या कहते हैं रियल एनालिसिस की बात भी है, आई थिंक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात भी है. आई एम नॉट श्योर अबाउट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बट इसके अंदर लिबेक इंटीग्रल की बात भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस के लिए. इनफैक्ट अगर आपने हिल्बर्ट स्पेसिस को थोड़ा डीपली जाके स्टडी करना है तो इट्स गुड के यू नो अबाउट लिबेक इंटीग्रल. एनीवे अच्छा ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है ये एक वक्त था कि ये नाकाहारा से पहले आई थिंक काफ़ी फेमस होती थी टू इंट्रोड्यूस टोपोलॉजी एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री टू फिजिसिस्ट्स. और ये बुक लिखी है चार्ल्स नैश और सिद्धार्था सेन ने. इसको इसका जो निक नेम है इस बुक का वो है नैश एंड सेन टोपोलॉजी एंड ज्योमेट्री फॉर फिजिसिस्ट्स. इस बुक की एक अच्छी बात जो कि नाकाहारा से मिसिंग है जो कि नाकाहारा में नहीं है वो ये है कि इसके अंदर एक चीज़ डिस्कस है जिसको हम कहते हैं मोर्स थ्योरी. और मोर्स थ्योरी जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सुपर सिमेट्री से रिलेटेड है. एडवर्ड ब्रिटन ने 1980 में एक पेपर लिखा था सुपर सिमेट्री एंड मोर्स थ्योरी नेम था उस पेपर का. और उस पेपर के अंदर उन्होंने एक कनेक्शन दिया था सुपर सिमेट्री और मोर्स थ्योरी के बीच. राइट सो मोर्स थ्योरी इस बुक से आप स्टडी कर सकते हो इफ यू वांट. ओके सो ये जो नेक्स्ट बुक है इसका नेम है कैटेगरी थ्योरी फॉर साइंटिस्ट्स. और ये जो बुक है ये डेविड स्पिवक ने लिखी है. अच्छा इस बुक के बारे में मैंने जो सुना है और आई थिंक काफ़ी हद तक मैं खुद भी एग्री करता हूँ इससे वो ये है कि फॉर अ फिजिसिस्ट फॉर अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इट माइट नॉट बी द बेस्ट बुक टू स्टडी बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें यू नो अवेलेबल नहीं है. एक और बुक मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो कि मेरे बुक शेल्फ में है कैटेगरी थ्योरी की, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर बुक है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के लिए. तो ये एक बुक है ये मुझे बार्न्स एंड नोबल में पसंद आई थी तो मैंने उठा ली. इसका नेम है थैंक यू फॉर आर्ग्यूइंग और ये लिखी है यू नो जे हाइनरिच ने. लेकिन इसका जो सब टाइटल है इस बुक का वो मुझे ज़्यादा पसंद है. इसका नाम है व्हाट एरिस्टोटल लिंकन एंड होमर सिम्पसन कैन टेल यू अबाउट द आर्ट ऑफ पर्सुएशन. ये बुक आई थिंक शायद उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी जितना मुझे लग रहा था कि ये अच्छी लगेगी मुझे, लेकिन anyway, कोई नहीं. ओके सो ये एक बुक है जो कि काफ़ी छोटी आप देख सकते हो कि छोटी सी बुक है बिल्कुल. ये क्वांटम ग्रुप्स और नॉट इनवेरिएंट्स के ऊपर है. ये भी आई थिंक कैसल ने लिखी है, कैसल रॉसो एंड ट्राइव ने लिखी है. ये बुक छोटी छोटी इंट्रोडक्शन देती है आपको ऑन समथिंग कॉल्ड यंग बैक्स्टर इक्वेशन. यंग बैक्स्टर इक्वेशन काफ़ी हद तक रिलेटेड है ब्रेड ग्रुप्स के साथ. और फिर ब्रेड ग्रुप्स की बात भी करती है, नॉट इनवेरिएंट्स की बात भी करती है, नॉट थ्योरी की बात इन जनरल करती है ये. लेकिन आप देख सकते हो कि चूँकि ये छोटी सी बुक है तो दैट्स वाई जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेंस में बयान किए गए हैं. सो ये एक बुक है जो कि मुझे काफ़ी हद तक पसंद है. तो देर इज़ दिस टेक्निक इन फिजिक्स कॉल्ड लोकलाइजेशन. उससे आप कर ये सकते हो कि आप जो फाइनमैन पाथ इंटीग्रल्स हैं कुछ केसेस ऐसे हैं कि आप उनको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस लोकलाइजेशन टेक्निक. तो ये उसके लिए आपको देर इज़ दिस यू नो एरिया ऑफ मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं इक्वेरियंट कोहोमोलॉजी. तो इक्वेरियंट कोहोमोलॉजी और लोकलाइजेशन के लिए ये एक बुक है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है. ये साबो ने लिखी है, रिचर्ड साबो ने. और कुछ एकेडमिक्स इसको पसंद नहीं करते इस बुक को, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ. आई मीन इतनी बुरी भी नहीं है ये बुक. तो इक्वेरियंट कोहोमोलॉजी भी आपको ये टीच करती है और लोकलाइजेशन ऑफ पाथ इंटीग्रल्स या फिर जिसको सिंपली लोकलाइजेशन कहते हैं वो भी टीच करती है. ओके तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि एक और बुक है मेरी क्या कहते हैं बुक शेल्फ में जो कि कैटेगरी थ्योरी जो है वो ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है. तो ये है वो बुक जिसका नाम है मैकलेन और ये स्प्रिंगर ने पब्लिश किया ऑफ कोर्स. सो मैकलेन वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कैटेगरी थ्योरी और ये बुक आई थिंक बहुत अच्छी लिखी हुई है, मच बेटर देन आई थिंक स्पिवक एज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हो तो प्रॉबली यू विल लाइक स्पिविक्स बुक जो कि ये है, ये वाली बुक कैटेगरी थ्योरी बाय स्पिविक. लेकिन जो मैकलेन की बुक है आई थिंक दिस इज बेटर फॉर यू नो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट. राइट ओके
एक और बुक जो कि आई थिंक लास्ट बुक है मेरी इस कलेक्शन के अंदर, वो है एलिप्टिक कर्व्स के ऊपर। ये बुक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अच्छा एलिप्टिक कर्व्स जो है दे आर यूज्ड इन सुपर सिमेट्रिक थ्योरीज। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस होल ड्यूअलिटी नोन एज साइबर-गिबन ड्यूअलिटी जो कि एन इक्वल्स टू सुपर सिमेट्रिक थ्योरीज के अंदर पाई जाती है। तो उन्होंने जब साइबर-गिबन ने ये काम किया था 1994 में तो देयर सोल्यूशन एक्चुअली नीडेड एलिप्टिक कर्व्स। लेकिन अब एलिप्टिक कर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फॉर एग्जांपल यू नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, फॉर एग्जांपल क्रिप्टोग्राफी के अंदर। और इफ़ यू वांट यू नो द प्रूफ ऑफ फर्मैट्स लास्ट थ्योरम, उसके लिए भी यू नीड टू नो अबाउट एलिप्टिक कर्व्स। और इस बुक की अच्छी बात यह है, ये बुक लिखी है लॉरेंस वॉशिंगटन ने और ये CRC प्रेस की पब्लिकेशन है, राइट। इस बुक के लास्ट के कुछ चैप्टर्स के अंदर यू कैन एक्चुअली सी अ स्केच ऑफ द प्रूफ ऑफ फर्मैट्स लास्ट थ्योरम जो कि इसका चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। पूरा प्रूफ नहीं देगा बिकॉज दैट प्रूफ इज 110 पेजेस लॉन्ग जो कि ओरिजिनल एंड्रयू वाल्स ने प्रूफ किया था, लेकिन वो ये अज्यूम करके प्रूफ किया था कि जो ये पेपर पढ़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड नॉलेज है। तो आई थिंक अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी बिल्ड करना पड़े तो दैट प्रूफ कैन बी मच लॉन्गर, लेकिन वह ये बुक आपको एक स्केच दे देती है उस प्रूफ का। लेकिन उसके लिए आपको पहले बुक पढ़नी पड़ेगी पीछे से ताकि आप एलिप्टिक कर्व से फेमिलियर हो सको। ओके, तो मैंने लास्ट बुक कहा था, लेकिन एक और बुक है, ये है वो बुक। ये बुक जो है ये काफ़ी बड़ी है साइज में, बाय द वे, तो ये मेरी बुक शेल्फ में फिट भी नहीं होती तो मुझे इसको बुक शेल्फ के टॉप पे रखना पड़ता है। तो ये बुक जे कमिंग्स ने लिखी है और उनकी एक सीरीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स है जिसका नाम है अ लॉन्ग फॉर्म मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक सीरीज। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी थी बिकॉज इसके अंदर मैथमेटिकल प्रूफ्स के बारे में काफ़ी लंबी डिस्कशन है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बुक छोटी बुक नहीं है, काफ़ी बड़ी बुक है। सो इसलिए मैंने इस बुक को बाय किया और इस बुक के अंदर आई थिंक कोई भी पढ़ सकता है अगर उसका थोड़ा सा भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि ये बुक जो है ये काफ़ी स्टार्ट से शुरू करती है, राइट। और इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी विजुअल हो सकती हैं कई दफ़ा, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग विजुअल लर्नर्स हैं, इफ़ दैट यू नो कैटेगरी एग्जिस्ट्स, तो जो लोग विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। और आई थिंक जो लोग ज़्यादा वेल वर्स्ड है मैथमेटिक्स में, आई थिंक उनके लिए भी ये बुक काफ़ी यूजफुल होगी, बिकॉज ये बुक मैंने भी इसलिए खरीदी है क्योंकि ये बुक मुझे भी बहुत एंटरटेनिंग लगी थी। सो ये मेरी वीडियो थी मेरी जो बुक शेल्फ के अंदर बुक्स हैं उनके ऊपर। अब चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो मेरी बुक शेल्फ के अंदर जो पेपर्स हैं उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।